हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बालाथल सभ्यता। तो बालाथल सभ्यता जो कि बल्लभ नगर तहसील यहाँ पर विकसित हुई, और ये कहाँ है, उदयपुर के पूर्व में स्थित है। तो बालाथल सभ्यता जो है वो बिल्कुल आहड़ सभ्यता से जो है वो मिलती जुलती सभ्यता है। जिस तरीके से हमने आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि ये सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता रही थी, तो ग्रामीण सभ्यता है तो यहाँ पर हमें जो मिट्टी के बर्तन मिले थे, ठीक है, मिट्टी के क्या मिले थे, मृदभांड मिले थे, लाल काले रंग के मिले थे। और जब ग्रामीण सभ्यता है तो यहाँ पर जो है वो कृषि हुई थी, आपको याद आया होगा। यहाँ पर कृषि के साथ साथ जो है वो पशुपालन, ये भी हमें देखने को मिला था। तांबा, तांबे के जो है वो औजार हमें भरपूर मात्रा में यहाँ देखने को मिले थे। यहाँ तक कि तांबा बनाने की जो है भट्टियाँ जो हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिली थी। तो थोड़ी बहुत जो विशेषताएं हैं वो आपको बालाथल सभ्यता में ऐसी ही लगेंगी जैसे कि आहड़ सभ्यता आप पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बालाथल सभ्यता में जो है वो लोहा गलाने की आपको भट्टियाँ मिलेंगी, ठीक है, लोहा गलाने की भट्टियाँ। और आहड़ सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियाँ जो है वो मिलेंगी, ठीक है। ताम्र नगरी जो है वो आहड़ सभ्यता को कहा गया था। और जिस तरीके से आहड़ सभ्यता में जो है संयुक्त परिवार के प्रमाण मिलते हैं कि एक ही स्थान पर जो है बहुत सारे जो है वो कमरे के जो है अवशेष मिले हैं, पता लगता है कि यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा एक परिवार जो है बड़ा परिवार यहाँ पर रहता रहा होगा। उसी तरीके से बालाथल सभ्यता में भी भवन इस तरीके के मिले हैं कि वहाँ पर जो है 10, 11 या 11, 12 कमरे जो हैं उसके प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। ऐसे भवन मिले हैं जहाँ पर 11, 12 कमरे जो हैं वो एक ही स्थान पर बनाए गए थे, ठीक है। दोनों ही सभ्यताएँ जो कि बनास नदी के किनारे विकसित हुई, जो आहड़ सभ्यता है वो बनास की जो सहायक नदी है बेड़च, बेड़च के किनारे विकसित हुई। उसी तरीके से बालाथल सभ्यता जो है वह भी बनास नदी के किनारे विकसित हुई। दोनों सभ्यताओं के बारे में याद रखिएगा, उदयपुर की सभ्यताएं हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए, ठीक है। आहड़ सभ्यता से ही मिलती जुलती है बालाथल सभ्यता, तो थोड़ा सा भी जो है वो आप कन्फ्यूज ना हो। तो देखिए, बल्लभ नगर तहसील उदयपुर के पूर्व में विकसित हुई बालाथल सभ्यता, और गांव कौन सा है, बालाथल, तो इसी वजह से इसका नाम जो है बालाथल सभ्यता पड़ गया। नदी जो है वो बनास नदी है, और खोजकर्ता इसके कौन है, तो आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता हमने क्या देखे थे, आरसी अग्रवाल, ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल। और यहाँ पर जो खोजकर्ता है जिन्होंने इस सभ्यता को खोजा, तो वो है 1962 से 63 में, यानी पहले आहड़ सभ्यता की खोज हुई, उसके बाद में वीरेंद्रनाथ मिश्र ने बालाथल सभ्यता को खोजा। आहड़ सभ्यता के बाद में ही इसको जो है खोजा गया। उत्खनन कार्य यानी कि इसकी जो खुदाई का कार्य है वो किसने किया, तो खुदाई का कार्य जो है 1993 में B.N. मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में जो है कुछ लोगों ने किया, जिनके नाम आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बन सकता है कि बालाथल सभ्यता जो है उसके उत्खनन कार्य या खुदाई में जो है किन किन लोगों का सहयोग रहा। तब आप याद रखें, डॉक्टर सिंधे हैं, डॉक्टर आर के मोहंती हैं, डॉक्टर देव कोठारी हैं, ललित पांडे हैं और जीवन खरकवाल हैं। तो ये जो 5 नाम हैं आप याद रखेंगे, ठीक है। खोजकर्ता कौन है, वीरेंद्रनाथ मिश्र हैं, और जो खुदाई की वो डॉक्टर सिंधे ने, आर के मोहंती ने, देव कोठारी ने, ललित पांडे और जीवन खरकवाल ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अब हम करेंगे इनकी विशेषताओं की चर्चा, कि विशेषताएं जो है वो क्या रही हैं, आहड़ सभ्यता से मिलती जुलती कैसे थी, एक एक पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी, ठीक है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है, ये बालाथल सभ्यता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तांबे के और पाषाण यानी पत्थर के जो हैं अवशेष हमें मिले होंगे। अब यही बात जो है यहाँ कन्फ्यूज करती है, ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी उस समय की, 1800 ईसा पूर्व की, यहाँ पर तांबे के अवशेष हमें मिले लेकिन पत्थर के अवशेष हमें नहीं मिले, ठीक है। ये रही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि एग्जाम में आपको आ सकती है, ठीक है, पूछी जा सकती है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर ताम्र उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं। और इम्पोर्टेंट बात कि आहड़ सभ्यता में हमें तांबा गलाने की जो है भट्टियाँ मिली हैं, तो यहाँ पर लोहा गलाने की जो है वो भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और लगभग जो है 4-5 भट्टियाँ जो हैं वो हमें यहाँ मिली हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है लोहा बहुत आया तो जो है वो मिला होगा, यहाँ तांबा भी मिल रहा है, लोहा भी मिल रहा है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है लेकिन यहाँ पाषाण यानी पत्थर का कोई अवशेष नहीं मिला है,
ठीक है। और यहाँ पर मैंने साथ में ही लिख दिया है ताकि आपको याद रह सके कि आहट सभ्यता जो है यहाँ तांबा गलाने की भट्टी मिली और बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। ठीक है, अब लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं तो ये भी पता है कि जो लोहे की खोज है वो 600 ईसा पूर्व में जो है वह हुई थी। ठीक है, और तभी से जो है वो परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है, क्रांति हुई थी ये मान लीजिए। तो लोह युग में जो है यहाँ नलकूप होने के साक्ष्य मिले हैं। नलकूप यानी कि नल जो है उसमें लोहे का प्रयोग होता है, तो लोह युग में यहाँ नलकूप होने के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी सभ्यता है ये? बालाथल सभ्यता। बार बार इस चीज को बोलेंगे तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा। बालाथल सभ्यता से जो है दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दुर्ग नहीं मिला है लेकिन दुर्ग जैसी इमारतें मिली हैं। दुर्ग के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं याद करिए, मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा सभ्यता जो है जहाँ से हमें दुर्ग के अवशेष जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जिसकी जो दीवारें थी, दीवारें जो थी वो किसकी बनी हुई थी? मिट्टी की, मोटी मिट्टी की बनी हुई थी। यहीं पर जो है दोनों में जो है अंतर हो जाता है। ठीक है, दुर्ग के अवशेष कालीबंगा में मिले, बालाथल सभ्यता में दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष मिले। लेकिन कालीबंगा में खास बात क्या थी कि वहां पर जो है वो कच्ची पक्की ईंटें जो थी, कच्ची पक्की जो ईंटें थी तो इनका प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो कि हमें यहाँ नहीं मिलती हैं, ये आहार सभ्यता के समान ही मानी जाती है। तो यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई जो है आपको मिलेंगी, ठीक है, दीवारें। यहाँ से जो है विशाल भवन के साक्ष्य मिले हैं, एक विशाल भवन मिला है और उस भवन में जो है वो 11-12 कमरे जो है वो मिले हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग जो है वो ग्रामीण सभ्यता से मिलती जुलती सभ्यता है और लोग जो है वो इकट्ठा रहते होंगे, एक जगह ही जो है खाना पीना जो है इनका होता होगा। संयुक्त परिवार जैसी व्यवस्था जो है यहाँ देखने को मिली है जो हमें आहार सभ्यता में मिली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। याद करिए कि आहार सभ्यता में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं और दो रंग हमने पढ़े थे वहां, लाल और काले। लाल और काले मृदभांड यानी लाल और काले मिट्टी के बर्तन मिले। लेकिन वहां पर एक चीज और याद करिए, उल्टी तपाई विधि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, बर्तनों को जो है उल्टा करके उल्टी तपाई विधि जो है वो प्रयोग में लाई गई थी। यहाँ क्या अंतर रहेगा? यहाँ पर बर्तन जो है उसमें लाल काले कलर का प्रयोग हुआ है, ये तो बिल्कुल समान है। लेकिन यहाँ पर दो तरीके के बर्तन मिले, एक तो खुरदरी और एक चिकनी। ठीक है, खुरदरी यानी कि इस तरीके से जो है वो कोई भी बर्तन मान लीजिए, और एक जो है वो चिकनी मिट्टी का जो है वो बर्तन मिला। दोनों में ही लाल और काले रंगों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा इसे और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर जो है चमकदार लेप करके सफेद रंग से जो है वो इन पर चित्र बनाए गए। अब आप ये सोचिए कि ये रेड कलर है, ठीक है, और रेड कलर में जो है वो व्हाइट कलर की अगर कोई डिजाइन बनाई जाए तो वो कितनी अच्छी लगेगी। इसी तरीके से चिकनी जो दीवारों वाले बर्तन थे उसमें भी ऐसे ही प्रयोग किया गया, सफेद रंग के जो है वो है यहाँ पर चित्र बनाए गए। मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब ग्रामीण सभ्यता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो माइंड में वैसे ही क्लिक कर जानी चाहिए। ठीक है, कि एक तो मिट्टी की जो है हमें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, दूसरा जो है वो कच्चे मकान भी मिल सकते हैं, तीसरा जो है यहाँ पर कृषि होगी, पशुपालन होगा, ये तो मिलेगा ही। ठीक है, तो आहार सभ्यता के ही समान है, इसीलिए मैं दोनों सभ्यताओं को एक साथ लेकर चल रही हूँ ताकि याद हो जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कृषि होती थी, कृषि में तीन फसलें महत्वपूर्ण थी, गेहूं, खाद्यान्न फसल, मूंग, सरसों, ये तीनों फसलें महत्वपूर्ण थी। पशु जो है वो पालते थे ये, ठीक है, और शिकार भी करते थे। ये लोग अनाज को रखने के लिए जो है मिट्टी की कोठियां बनाते थे। ठीक है, ऐसी ही जो कोठियां हैं हमें कहां पर मिली? आहड़ सभ्यता में मिली। ठीक है, कैसी कोठियां? मिट्टी की बनी हुई जो कोठियां थी वो हमें आहड़ सभ्यता में मिली, ताकि स्टोर किया जा सके अनाज जो था उसको लंबे टाइम तक चलाने के लिए जो है ऐसी कोठियां जो है वो बनाई जाती थी। अनाज को पीसने के लिए जो है सिलबट्टा का भी प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से आपने जो है वो सिलबट्टा जो है वो देखा होगा गाँव में, इस तरीके का बना होता है, ये सिल होती है और ये जो है वो इस तरीके का जो है वो बट्टा होता है, इसको लेकर जो है वो इस पर जो है वो पीसा जाता था। ठीक है, इस तरीके से वो कितना जो है वो मेहनत करते थे तब जाकर जो है वो जो है उनको खाना मिलता था। ठीक है, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी तो गांव की तरीके से ही कामकाज यहाँ होते थे। तो अनाज को पीसने के लिए सिलबट्टे का प्रयोग होता था यहाँ। उसके अलावा ताम्र उपकरण, ताम्र उपकरण में देखिए सबसे ज्यादा जो है वो तांबा बनाने की भट्टी कहाँ पर थी? आहड़ सभ्यता में। ठीक है, ताम्र नगरी उसको कहा जाता है। तो वहां पर जो है तांबे की बनी बहुत सारी जो है वो उपकरण प्राप्त हुए थे।
क्या क्या प्राप्त हुए थे थोड़ा सा जो है वो याद करिए। तांबे की जो है छुरी मिली थी, किसकी बात कर रही हूँ मैं, आहार सभ्यता की, ठीक है। इसके अलावा तांबे का जो है वो सुरमा मिला था, तांबे की जो है वो कुल्हाड़ी मिली थी, ठीक है। और इसके अलावा और क्या मिला था, तांबे की जो है वो 6 मुद्राएं मिली थी आहार सभ्यता में, ठीक है। 3 जो है वो मुहरें मिली थी। और बालाथल सभ्यता में जो है वो तांबे के क्या क्या उपकरण मिले, यहाँ पर भी तांबे का चाकू मिला जिसे छुरी कहा गया है, कुल्हाड़ी मिली है, छैनी मिली है, कर्ण फूल मिले हैं, यानी कि कानों में जो फूल पहनती थी महिलाएं, तो वह भी जो है वो तांबे के बने हुए मिले हैं, गले का हार तांबे का बना हुआ मिला है, और इसके अलावा तांबे के औजार भी यहाँ पर मिले हैं। तो एग्जामिनर जो है इसमें से क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि आहार सभ्यता और बालाथल सभ्यता जो है बिल्कुल समान ही जो है यहाँ पर अवशेष मिल रहे हैं ताम्र उपकरण के, जो बिल्कुल हटके होता है वही चीज़ जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो याद रखें जो मैंने आपको बताया कि बालाथल सभ्यता से जो है दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष मिले, जिनकी दीवारें कैसी थी, मोटी मिट्टी की जो है वो बनी थी, ठीक है। लोहा गलाने की भट्टियां जो है वो हमें कहाँ से मिली हैं, याद रखिएगा बालाथल सभ्यता से मिली है, ठीक है। और ऐसी सभ्यता जो कि ताम्र पाषाण कालीन है लेकिन जहां पर पत्थर के अवशेष नहीं मिले हैं, कौन सी है सभ्यता, बालाथल सभ्यता। बैराट के अतिरिक्त बालाथल से हाथ से बुना हुआ वस्त्र का टुकड़ा मिला, तो बैराट सभ्यता जहां पर हाथ से बुना हुआ वस्त्र का टुकड़ा मिला, उसी तरीके से यहाँ पर भी मिला, यानी कि यहाँ पर भी हाथ से बने हुए जो वस्त्र हैं वो पहनते थे लोग। गाय और बैल की जो है वो मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, इसका क्या अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग गाय भी पालते थे, बैल भी पालते थे, ठीक है। और बैल जो है ये लोग जब कृषि करते थे तो वहाँ पर बैल जो है काम में आते थे, ठीक है। गाय जो है पालते थे, पशुपालन का इनको जो है शौक था। 4,000 वर्ष पुराना जो है यहाँ कंकाल मिला है, जो भारत में कुष्ठ रोग का पुरातन प्रमाण है, तो यहाँ पर जो है 4,000 साल पुराना जो है वो कंकाल भी मिला है। मिट्टी से बनी जो है वो सांड की आकृतियाँ मिली हैं, सांड भी पालते थे, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। जहाँ पर ये लिखा हो कि मृण मूर्तियाँ जो है इस पशु की मिली हैं, ठीक है, तब आप ये जो है अपने आप ही जो है वो दिमाग में आना चाहिए कि ये लोग इनसे परिचित थे, इसीलिए तो इनकी आकृतियां बनाई होंगी, यानी ये गाय पालते थे, बैल पालते थे, सांड पालते थे। सिक्के जिन पर हाथी और चंद्रमा की जो है वो आकृतियां उत्तीर्ण है, सिक्के जो है यहाँ पर कैसे मिले हैं, तो इन सिक्कों पर जो है वो हाथी हाथी भी मिला है और चंद्रमा जो है इनकी आकृतियां भी मिली हैं, तो ये जो है हाथी भी पालते थे। 4 जानवर हमने देखे हैं, गाय, बैल, सांड और हाथी, ठीक है। तो ये सभ्यता जो है वो आपको बहुत अच्छे से यहीं पर याद हुई होगी। आहार सभ्यता से जो है मिलती जुलती सभ्यता ये थी, कौन सी सभ्यता, बालाथल सभ्यता। तो फटाफट से जो है वो अब हम इसको कर लेते हैं रिवाइज। मैंने आपको क्या बताया, एक तो बालाथल सभ्यता जो कि उदयपुर के जो है वो बल्लभ नगर तहसील में जो है यहाँ पर विकसित हुई, ठीक है। गाँव जो है वो क्या था, गाँव जो है सभ्यता के नाम पर ही था, बालाथल गाँव था। नदी जो है वो कौन सी रही, बनास नदी रही। खोजकर्ता कौन थे, तो आहार सभ्यता के बाद की सभ्यता है, तो खुदाई और खोज जो है वो बाद में ही हुई है, तो खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र थे, ठीक है। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है 1993 में क्या किया गया था, 5 लोग मैंने आपको नाम बताए थे, एक तो शिंदे बताए थे, मोहंती बताए थे, कोठारी बताए थे, पांडे बताए थे और खरकवाल बताए थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप शॉर्ट में लिखकर नाम याद रख सकते हो, ठीक है। विशेषता मैंने क्या बताई थी कि एक तो ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है लेकिन यहाँ पर तांबे के बहुत अवशेष मिले हैं और किसके, पत्थर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। ये जो बहुत अच्छा पॉइंट है और एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहा गलाने की भट्टियां जो हैं वो हमें मिली हैं बालाथल सभ्यता से। यहाँ पर जो है विशाल जो है वो भवन मिला है, 11-12 कमरे जो है उनमें बने हुए थे। मिट्टी के बर्तन तो मिले ही हैं और कलर जो है वो आप याद रखिएगा, लाल और कौन सा, काला, ठीक है। लाल और काला जो है वो मिट्टी का बर्तन यहाँ पर हमको देखने को मिला है, ठीक है। और क्या बात रही थी, फटाफट से सोचिए। अभी मैंने बताया था यहाँ पर अगर जानवरों की बात करें कि किन किन पशुओं को ये पालते थे, तो गाय पालते थे, बैल पालते थे, ठीक है। और मिट्टी से बना जो है वो सांड भी मिला है, यानी सांड से जो है ये परिचित थे, ठीक है। इसके अलावा जो है हाथी के बारे में भी हमने इनकी विशेषताओं में पढ़ा, और यहाँ कृषि होती थी, पशुपालन होता था, शिकार भी ये लोग करते थे। और जब कृषि होती थी तो अनाज होगा, और तो अनाज को रखने के लिए जो है क्या बनाते थे, यहाँ
जो मिट्टी की कोठियां थी वो बनाते थे ताकि अनाज को जो है वो सुरक्षित रखा जा सके। तांबे के उपकरण तो मिले ही हैं, आहर सभ्यता के समान मिले हैं। और बैराट सभ्यता के समान एक और चीज यहाँ पर मिली है, क्या मिली है यहाँ पर? हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला है। इसका मतलब लोग जो है वो बुने हुए वस्त्र पहनते थे। तो मैंने आपको यहाँ पर ही जो है वो याद करवा दिया है, और मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ पर याद भी हो गया होगा। तो ये थी बालाथल सभ्यता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।